नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। विशेष की शुरुआत में बात करेंगे सबसे पहले एक सवाल की, और सवाल ये कि कैसे लगेगी अपराध पर लगाम। प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पुलिस चौकी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया ताकि स्थानीय स्तर पर ही लोगों को मदद मिल सके और थानों का बोझ भी कम किया जा सके। लेकिन अगर स्टाफ की कमी के नाम पर पुलिस चौकियों पर ताले ही लटके मिलेंगे तो जनता कहां जाएगी, और इस अनदेखी के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो वहीं जनता बेहाल है। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में अपराधों पर लगाम लगाने और थानों के लंबे चौड़े क्षेत्र को देखते हुए सरकार ने उन जगहों पर पुलिस चौकियों की स्थापना की जो कई गांवों पर नजर रख सके और मामलों को अपने स्तर पर निपटारा कर थानों का भार कम कर सके। इन चौकियों के खुलने से ग्रामीणों ने ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहत की सांस ली तो वही अपराधी भी खौफ में दिखे। लेकिन आज ये पुलिस चौकियाँ स्टाफ के आने की बाट जो रही है। स्टाफ नहीं होने से लंबे समय से बंद पड़ी है। बात कर रहे हैं बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र की जैतपुर पुलिस चौकी की, जो नफरी नहीं होने के चलते 6 महीनों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों को छोटे मोटे काम के लिए महाजन आना पड़ता है, जिससे आमजन परेशान है। वहीं पुलिस चौकी बंद रहने से अब ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि चोर लुटेरे आसपास के ग्रामीण रूटों और गांव में खासे सक्रिय हैं। रात 8 बजे के बाद सड़कें तो दूर, गांव की गलियां भी सूनी हो जाती हैं। चौकी बंद होने के चलते गांव में भय का माहौल है। जैतपुर पुलिस चौकी है वो करीब 6 माह से बंद पड़ी है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसकी वजह से ग्रामीणों को बड़ी भारी परेशानी से गुजरना पड़ता है और उनको महाजन आना पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पर बसे जैतपुर की दूरी महाजन से 37 किलोमीटर है। वहीं मेगा हाईवे से हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर की सीमा लगती है। ये पेट्रोल डीजल अवैध शराब सहित मादक पदार्थों की तस्करी का मुख्य रास्ता है। चौकी बंद होने से मादक पदार्थों सहित अन्य नशे के सामानों की तस्करी भी बढ़ने लगी है। तस्कर बेखौफ तस्करी कर रहे हैं। वहीं मेगा हाईवे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बीते 4 महीनों में करीब 10 हादसे हो गए और हर बार महाजन पुलिस को ही मौके पर पहुंचना पड़ता है। हाँ, चौकी का मैंने किया था, मुआयना दौरा किया था। चौकी बंद है क्योंकि अभी महाजन थाने पे जो अनुसंधान अधिकारी से जो स्टाफ सेंक्शन पोस्ट है उसकी कंपैरिजन में काफी कम है। लून कर्णसर के सर्कल अधिकारी नोपाराम भाकर के मुताबिक मौजूदा वक्त में महाजन थाने में स्वीकृत स्टाफ से भी कम स्टाफ है। साथ ही चौकी के लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति के आदेश भी नहीं है। हालांकि एसपी योगेश यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर भी इस संबंध में मेरे उच्च अधिकारियों से, सीमा एसपी साहब से और एडीसी साहब से बातचीत हुई है और साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चौकी के लिए जाकर नियुक्त करेंगे। इलाके के ग्रामीण हरिराम शर्मा बताते हैं कि जैतपुर पुलिस चौकी पिछले 6 माह से बंद पड़ी है। हाईवे पर स्थित होने के चलते हादसों के बाद महाजन थाने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं छोटे मोटे मामलों को लेकर भी ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर महाजन जाना पड़ता है। उच्च अधिकारियों और सीएलजी बैठक में चौकी को खोलने की मांग की गई है। तो अभी तक स्टाफ के अभाव में ये चौकी नहीं खोल पाई है, तो मैं सीओ साहब से, हमारे एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ स्टाफ की व्यवस्था कराएं और पुलिस चौकी को सुचारू रूप से शुरू करवाएं। नफरी की कमी का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। चौकियों में एक इंचार्ज सहित 4 कांस्टेबलों की नियुक्ति है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि नियुक्ति होने के बावजूद वहां ताला लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को छोटे मोटे काम के लिए 37 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द ऐसी पुलिस चौकियों को शुरू करने की, जिससे अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास पैदा हो। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।